मीरा रोड विवाद पर पुलिस का कड़ा एक्शन। सोशल मीडिया पर कसा नकेल, किए ऐसे पोस्ट तो नप जाएंगे। मीरा रोड कांड पर माहौल अभी भी काफी गर्म है। 21 जनवरी को दो गुटों में संघर्ष के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस बेहद सख्त नजर आ रही है। तनाव की स्थिति को काबू में करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया है। सीएम शिंदे की पुलिस तनाव वाले इलाकों में मुस्तैद तो है ही, सोशल मीडिया के जरिए तनाव के बढ़ने की आशंका को देखते हुए एक बड़ा कदम भी उठाया गया है। इसी कड़ी में पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बेहद गंभीर और कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस ने अपनी चेतावनी भरी एक नोटिस के रूप में, यानी कि पुख्ते तौर पर कानूनी रूप में नोटिस जारी किया है, जिसमें तमाम सोशल मीडिया के ग्रुप एडमिन्स के लिए चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी ये है कि तमाम ग्रुप एडमिन्स इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी तरह से समाज में शांति को भंग करने वाले मीरा रोड कांड से जुड़े भ्रामक जानकारियां ना तो पोस्ट करें और ना ही फॉरवर्ड करें। इतना ही नहीं, इस घटना से जुड़े किसी भी तरह के चुटकुले और वीडियो को भी पोस्ट करने और फॉरवर्ड करने की पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर इस नियम का उल्लंघन करते हुए किसी को पाया गया तो ग्रुप एडमिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने नोटिस में पुलिस ने सभी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और ग्रुप के सभी सदस्यों को सूचित किया है कि 21 जनवरी को मीरा रोड की घटना के मामले में नया नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इस मामले की गहनता से जांच चल रही है। साथ ही जैसे जैसे सबूत मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। नोटिस में आगे ये भी लिखा है कि फिलहाल इलाके में माहौल शांत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस घटना के बारे में कई तरह के अलग अलग वीडियो कई तरह के माध्यमों से फैला रहे हैं। इस वजह से समाज में गलतफहमियां फैल रही हैं। इसके बाद पुलिस ने साफ तौर पर लिख दिया कि सोशल मीडिया पर क्या क्या चीजें करने पर कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक इस घटना के संबंध में आपत्तिजनक टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, स्टेटस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे किसी भी जाति धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, जिसके बाद शांति भंग हो सकती है। ऐसे में कानून व्यवस्था को संभालने में समस्या भी आ सकती है। मीरा रोड कांड को लेकर पुलिस का ये प्रयास सराहनीय तो है, क्योंकि ऐसे कड़े कदम उठाने से वहां के लोगों में भय का माहौल रहेगा और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। हालांकि पुलिस ने आम लोगों के लिए ऐसा नियम बनाकर बेहद अच्छा तो किया है, लेकिन उन राजनेताओं का क्या जो इस मामले में अपने तीखे बयान दे रहे हैं? क्या इस मामले में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर भी नकेल कसने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।